Hello kids, very good morning to all. Welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of Lakes Bagia Preschool. Today's date is 20 November 2020 and day is Friday. Hi kids, it's time for English recitation. Kids, today we will recite the rhyme Doctor Doctor from our stable. Okay, let's start. Doctor Doctor, come and see. Doctor, doctor, come and see. Is there something wrong with me? Cough and cold, do check me. Cough and cold, do check me. Then I have run and catch a train. Then I have run and catch a train. Kids, learn it well. Thank you. Hello kids, welcome back to your next class, that is English Oral. So take out your English book, English with Phonic, and open the page number 38. Kids, today we will again learn I sound word. Today we will learn I sound word related sound I B ib, I D id, I G ig, and I M im. So let's start. B e b bib, f e b fib, n e b nib, r e b rib, bib fib nib rib. Okay, next is I d id, b I d bid, d I d did, h I t hid, k I K E D kid, L E D lid, R R E D rid, bib did, hid, kid, lid, rib. Next is ig, ig sound word, जिसमें ig sound आ रहा है. So let's start. B ig big, D ig dig, G gi g gig, p e g pig, g e g jig, v e g wig, f e g fig, big dig gig pig jig wig fig. And last is im, im sound word, d e m dim, h e m him, R E M rim. Okay kids, like this you have to read this page number. Thank you. Hello kids, welcome back to your next class, that is English written. So take out your notebook and where I have done the setting of 20 November 2020 and day is Friday. Kids, today we will write I sound word. अभी तक हम लोगों ने kids A sound word, E sound word learn and write किए थे and now we will learn and write I sound words. Okay kids, यहाँ पर ये कुछ I sound word राइट लिखे हुए हैं, आपको इनको देखकर फोनेटिक की हेल्प से रीड करना है एंड कॉपी करने हैं टू टाइम. ओके, लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है. फर्स्ट इज बी आई बी बेब, सो हेयर वी विल राइट टू टाइम बी आई बी बेब, बी आई बी बेब. ओके, नेक्स्ट इज एफ आई बी फिब एंड हेयर वी विल राइट टू टाइम एफ आई बी फिब, एफ आई बी फिब. ओके, एन आई बी निब, R I B rib, B I G big, D I G dig, G I G jig, P I G pig, G I G jig, W I G fig, F I G fig, D I M dim, H I M him, R I M rim, L I P lip, B I N bin, P I N pin, F I N fin, T I N tin, F I T fit. Kids, like this you have to do इन योर नोटबुक इन टू टाइम. बच्चों, आपको इसी तरीके से वर्ड्स को देख के अपनी नोटबुक में टू टाइम डिफरेंट टाइप के वर्ड्स को कॉपी करना है. किड्स, नीट एंड डू नीट एंड क्लीन. थैंक यू.
किड्स, इट्स टाइम फॉर हिंदी रेसिटेशन. किड्स, टुडे वी विल रिसाइट इन हिंदी राइम एक मोटा हाथी झूम के चला. ओके, लेट्स स्टार्ट. एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा. जाल को देखा, देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ. दो मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसे. जाल को देखा, देख के डरे, तीसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ. किड्स, लर्न दिस राइम, प्रैक्टिस वेल. थैंक यू. हेलो किड्स, वेलकम बैक टू योर नेक्स्ट क्लास, दैट इज हिंदी ओरल. सो टेक आउट योर हिंदी बुक शब्द ज्ञान एंड ओपन द पेज नंबर 31. बच्चों, आज हम लोग पेज नंबर 31 में तीन अक्षर वाले शब्दों को पढ़ेंगे. चलिए पढ़ते हैं. म ट क मटक, न हर नहर, प क ड पकड़, ग ग न गगन, फ स ल फसल, उ ध र उधर, क म ल कमल, श ह द शहद, भ व न भवन, ल प ट लपट, च ह ल चहल, प ल क पलक, प ह ल पहल, म ग न मगन, ब र स बरस, श र म शरम, झ प ट झपट, ब ह क बहक, उ त र उतर, व च न वचन, म ह ल महल, क द म कदम, ट ह ल टहल, ज ग न जगन, म ह क महक, र ह न रहन, क प ट कपट, दहक दहक, पटक पटक, भगत भगत, बहन बहन, शहर शहर, कनक कनक, खरल खरल, दमक दमक, मटर मटर, कमर कमर, चहक चहक, रतन रतन, एंड नमक नमक. लास्ट में, लास्ट वाली लाइन, भजन भजन, मगर मगर, चमक चमक, पवन पवन, उबल उबल, खबर खबर, डगर डगर, चमन चमन, कलश कलश, शरण शरण. तो बच्चों, आप लोगों को व्यंजन के अक्षरों को जोड़ जोड़ कर शब्द को बनाकर इसी तरीके से पढ़ना होगा. तो रीड इट वेल. थैंक यू. हेलो किड्स, वेलकम बैक टू योर नेक्स्ट क्लास, दैट इज हिंदी रिटन. सो टेक आउट योर हिंदी नोटबुक वेयर आई हैव डन द सेटिंग ऑफ 20 November 2020 एंड डे इज फ्राइडे. बच्चों, आज हम लोग तीन अक्षर से रिलेटेड एक्सरसाइज को करेंगे. अभी तक हम लोगों ने तीन अक्षर वाले शब्द करे थे, बतख बटन, मगर मटर, नयन नमक, शहर सड़क. ठीक है, अब इन्हीं शब्दों की हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे. तो आज हम लोगों को करना है अक्षर भर कर शब्द बनाइए. यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं जिनमें से बीच का अक्षर या अक्षर मिस है. इनको अपने शब्दों को याद करके जो सही अक्षर होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और हमारा शब्द बनेगा. तो यहाँ पे है क डैश ला, क मा ला. तो हम लोगों ने यहाँ पे मा लिखा तो क्या शब्द बना, कमल कमल. अब है ना डैश ना, न
या ना अक्षर फिल करने से या अक्षर फिल करने से हुआ नयन नयन। नेक्स्ट है पा डैश न, तो यहां पर आएगा बा ट न बटन। और यहाँ नेक्स्ट है ना डैश क न म, यहाँ पर म अक्षर हम लोगों ने लिख दिया तो शब्द बना नमक नमक। अब दूसरा शब्द है डैश त ख, यहाँ पर बा अक्षर लिख देने से शब्द भरा बना बतख बतन। सड़ा अक्षर लिख दिया तो हो गया सड़क सड़क। और यहाँ पर मा टा अक्षर लिखा तो शब्द बन गया मटर मटर। और लास्ट में मा ग रा अक्षर लिख दिया तो हमारा शब्द बना मगर अगर। तो बच्चों आप लोगों को तीन अक्षर वाले शब्दों को अच्छे तरीके से लर्न करते हुए राइट करिएगा और इसी तरीके से आप लोग एक्सरसाइज को करेंगे, अक्षर भरकर शब्द लिखिए। थैंक यू। हेलो किड्स, वेलकम बैक टू योर नेक्स्ट क्लास दैट इज मैथ्स रिटन। सो टेक आउट योर मैथ्स नोटबुक वेयर आई हैव डन द सेटिंग ऑफ 20 November 2020 and day is Friday. Kids, today we will do again exercise count and match. Okay, आज हम लोग फिर से एक्सरसाइज करेंगे काउंट एंड मैच। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इनको काउंट करके हमको इनकी स्पेलिंग से मैच कराना है, ये जो सामने आपको दिखेंगे। ओके, तो लेट्स काउंट द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल काउंट एप्पल। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर? देयर आर 1, 2, 3, 4 apples, okay? And here we will match the spelling of 4. अब हम लोग यहाँ पे 4 को 4 spelling से match कराएंगे. So this is 4. F O U R 4. Match the spelling of 4 like this, okay? Next is ball. How many balls are there? Let's count it. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 balls. So we will match the balls, 5 balls, with the spelling of 5. F-I-V-E 5 like this. Okay. Next is how many clouds are there? There are 2 clouds. Yahan pe kitni clouds hai? 2. So we will match the 2 clouds with the spelling of 2. Okay. T-W-O 2. We will match the spelling of TWO 2. Next, how many flowers are there? Let's count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 flowers. Okay, so match the spelling of 6. S-I-X 6 like this. Okay, next, how many leaves are there? Let's count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 leaves. Okay, so match the spelling of 7. S-E-V-E-N 7. And last, how many dogs are there? There are 1, 2, 3. 3 dogs. Okay, 3 dogs are there. So match the 3 dogs spelling of 3. T-H-R-E 3. Kids, like this you have to do it, this exercise, neat and clean. Thank you. Hello kids, now welcome to the next class, that is Maths Oral. Kids, today we will learn counting from 101 to 120. आज हम लोग counting learn करेंगे 101 से 120 तक, okay? Kids, O for ones, T for tens and H for 100, okay? अब तक हम लोगों ने काउंटिंग लर्न करी थी फ्रॉम 1 टू 100 एंड नाउ वी विल लर्न काउंटिंग फ्रॉम 100, ओके 101 टू 120। लेट्स स्टार्ट। 101 102 103 104 105 106 107, 108, 109 and 110. 10.
do the next line. 100, 101, 111, 112, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Kids, repeat it again. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, and 110. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Kids, you have to learn it like this. Thank you. Hello kids, welcome back to your last class, that is GK Oral. So take out your book Word Safari and open the page number 8. Kids, today we will learn domestic animals. आपको आपके सिलेबस में पेट एनिमल्स लिखे हुए हैं, वहाँ पर आपको पेट एनिमल्स को कट करके वहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स करना होगा, ओके? और व्हाट इज डोमेस्टिक एनिमल? डोमेस्टिक एनिमल वो एनिमल्स हैं जो हमारे घर के आसपास या घरों में बहुत ही केयर एंड लव के साथ में उनको रखा जाता है, ओके? और वो हमारे घरों के आसपास देखे जाते हैं. फॉर डैट लाइक काउ, डॉग, कैट, बफेलो, शेप, गोट, शेप, ओके? रिपीटेड अगेन. काउ, डॉग, कैट, बफेलो, गोट, शेप. किड्स, आप लोग अपनी बुक की हेल्प से एंड विद दी हेल्प ऑफ वीडियो डोमेस्टिक एनिमल्स को लर्न करेंगे. थैंक यू.